घर पर सेफ, सभी सेफ रहेंगे और 10th क्लास के आपके एग्जाम अच्छे रहे होंगे। जैसे एग्जाम अच्छे रहे होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अब हम 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स, बेसिक जो चैप्टर हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जो आपके 11th क्लास में मैथमेटिक्स में टोटल आपके 16 चैप्टर रहने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर 10th में आप कंबाइंड सब्जेक्ट रहते थे, लेकिन 11th में आकर के आप अलग अलग स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो अगर कोई आर्ट विद मैथ लेना चाहेगा उसके लिए भी यही 16 चैप्टर रहेंगे, सेम आपका मैथ रहने वाला है। अगर कोई साइंस नॉन मेडिकल लेने वाला है उनके लिए भी मैथ में यही 16 चैप्टर रहने वाले हैं। तो दोनों के लिए आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। अभी 10th क्लास में आपने लिमिटेड चैप्टर पढ़े थे, उसमें 11th क्लास में आप थोड़ा उनको एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हो। काफी न्यू चैप्टर्स आने वाले हैं, नए टॉपिक आने वाले हैं और कुछ टॉपिक आपके जो 10th में आपने पढ़े थे उनका भी यूज होने वाला है। लेकिन ज्यादातर जो टॉपिक आएंगे आपके वो नए टॉपिक आने वाले हैं जो आपने 10th अब तक मतलब 11th से पहले नहीं पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यूज हर जो आपने 10th तक जो चैप्टर पढ़े थे उन सभी चैप्टर्स का कुछ ना कुछ यूज यहाँ पर भी होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका पहला टॉपिक है सेट, ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपका, इससे पहले आपने 10th क्लास तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। इसमें हम टाइप ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। सेट रहेगा आपका जैसे कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट है उनका उनको कलेक्ट करके हम एक जगह राइट कर देते हैं, उसको हम सेट बोल सकते हैं। इसमें हम टाइप ऑफ सेट, सेट के टाइप के बारे में ओनली पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका सेट वाले टॉपिक पर ही रिलेट रहने वाला है। अगर सेट वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो आप रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाया जाएगा। पहला आपका रिलेशन रहने वाला है और दूसरा आपका फंक्शन होने वाला है। लेकिन इन दोनों से पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ टॉपिक पढ़ोगे। रिलेशन फंक्शन आपका रिलेशन का ही पार्ट रहने वाला है। इसमें आप टाइप ऑफ रिलेशन भी पढ़ने वाले हो, टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़ने वाले हो। टाइप ऑफ रिलेशन में आप बेसिकली 3-4 टाइप भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन रिलेशन ये रहने वाली है आपकी। और फंक्शन के बारे में आप काफी डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ोगे और ये चैप्टर आपका एज इट इज 12th क्लास में भी आएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। सेट का केवल हम 11th क्लास में यूज करने वाले, लेकिन जो सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन वो एज इट इज सेम इसी नाम के साथ और ये टॉपिक थोड़ा एक्सपेंड होकर के सेम टॉपिक आपका 12th क्लास में आने वाला है। तो आपका थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर आपका उसी से रिलेटेड जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड आपने ये चैप्टर ले लेंगे। काफी एक्सपेंड होकर के मतलब काफी लार्ज चैप्टर ये आपका 11th क्लास का मैथ्स में सबसे लेंथी टॉपिक रहने वाला है। इसमें आप जैसे 10th क्लास में आपने केवल एंगल के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिकली तीन आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकंट स्क्वायर थीटा, केवल ये तीन आइडेंटिटी आपने बेसिक में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री में काफी और आइडेंटिटी भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, काफी कुछ एक्सपेंड होकर ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ने वाले हैं। जो आपने 10th में पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन अब काफी एक्सपेंड हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th से रिलेटेड ही है। फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये टॉपिक आपका बिल्कुल न्यू है, आपने 10th तक ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। लेकिन 11th क्लास में पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका एक बेसिकली सीरीज पर बेसिक और सीरीज मिलेगी, उसको हम ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। ये टॉपिक हम आपको करवाने वाले, लेकिन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 दिन में हम इसको कवर कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5th चैप्टर, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका नंबर सिस्टम पर बेस है। ये चैप्टर आपका नंबर सिस्टम पर बेस है। नंबर बेसिकली हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, नंबर दो टाइप के रहेंगे, एक तो रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम 10th क्लास तक पढ़ते आए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ये पहली बार हम पढ़ेंगे 11th क्लास में।
कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, अगर मैं बोलूं कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वेयर करें और वो नेगेटिव नंबर आ जाए, उसका स्क्वेयर, किसी भी नंबर का स्क्वेयर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट कर सकते हैं उसको। जैसे हम एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो अंडर रूट माइनस फाइव है, इसका अगर मैं स्क्वेयर करता हूं, स्क्वेयर रूट कैंसिल होकर के माइनस फाइव आंसर आता है। अब कोई भी नंबर जिसका अगर हम स्क्वेयर करें वो आपका रूट के अंदर नेगेटिव टर्म ही रहने वाली है, या फिर रूट के अंदर ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है, इवन पावर हो सकती है, मतलब रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म है तो अपना क्या रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होने वाला है। इसमें एक और नया नाम हम आयतों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका जो सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका सेम बिल्कुल जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी से रिलेटेड है, ये आप कर सकते हैं आराम से। ये बिल्कुल इजी, सबसे इजी टॉपिक आप पढ़िए रहने वाले हैं 11th क्लास में, इजी तो वैसे सारे ही है लेकिन फिर भी ये आपने अगर पढ़ा है इसलिए उससे रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक आप आराम से कर सकते हो। 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, ये चैप्टर आपका सेम बिल्कुल आपने जो 10th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस बिल्कुल सेम उसी टाइप से, लेकिन यहां पर इक्वल टू इक्वल का साइन ना होकर के इनइक्वालिटीज रहेगी। जैसे कोई इक्वेशन होती थी अपनी 3x plus 5y equal to 5, ये कोई इक्वेशन था, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते थे, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटीज आएगा मतलब कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना करके ग्रेटर या लेस का आएगा, ग्रेटर का आएगा या लेस का आएगा, या ग्रेटर एंड इक्वल टू आएगा, लेस एंड इक्वल टू का, ये साइन हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट आपका कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको आप डिटेल से जब करवाएंगे तभी आपको बताने वाले, क्योंकि बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ टाइप टॉपिक इसके उठा करके अगर बताने सकता हूँ तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको हम करवाएंगे तभी डिटेल से करवाने वाले। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया टॉपिक है, ये 12th में भी यूज होता है, ये टॉपिक तो सेम नहीं आएगा 12th में, लेकिन इससे इसका काफी कुछ यूज हम करने वाले 12th क्लास में भी, और ये जो 6th चैप्टर है इसका भी यूज आपका 12th क्लास में रहेगा। तो ये जो आप 11th क्लास में जो टॉपिक पढ़ोगे ये लगभग लगभग टॉपिक आपका 12th क्लास में आने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। अगर ये आप 11th में अगर अच्छे से इसको डिस्कस कर लोगे तो 12th में आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो मैथ में। नेक्स्ट आपके बाइनोमियल थ्योरम है, इसके लिए भी आप बाइनोमियल थ्योरम के लिए भी आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम में भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही यूज होगा। तो ये टॉपिक भी हम 8th चैप्टर तब करवाएंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपको डिस्कस या बताने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, ये किसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने 10th क्लास में 5th चैप्टर पढ़ा था एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका यूज यहां रहने वाला है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी एक सीरीज या सीक्वेंस का एक पार्ट होती है, लेकिन इसका उस कंडीशन के साथ उसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो उस सीक्वेंस एंड सीरीज को हम क्या बोल देते हैं एपी। तो यहाँ पर केवल हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने वाले हैं, इसमें एपी भी काउंट हो जाएगा, इसमें एपी के साथ साथ आपका जीपी और आने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो काफी ये भी काफी लेंथी चैप्टर होने वाला है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, काफी कुछ यूज भी है इसका। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका लाइन का टॉपिक है, इसमें हम लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे क्या बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन ये भी आपको बिल्कुल नया टॉपिक है, इसमें आपको पैराबोला हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपको डिटेल से हम करवाने हैं, ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इस पर काफी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आगे एग्जाम 12th के बाद एग्जाम दोगे उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये चैप्टर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D पर बेस आपका 12th क्लास में भी एक चैप्टर आने वाला है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर 3D का केवल इंट्रोडक्शन है, बेसिक हम बताने वाले हैं, 3D का होता है, 2D का होता है, 3D हमने 11th क्लास इससे पहले 3D के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, इससे पहले हम केवल 2D में बात करते थे, 2D का मतलब केवल दो एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इस प्लेन के बारे में, 2D का मतलब ये अपना सिंपल प्लेन होता है, एक एक्स एक्सिस गई और एक वाई एक्सिस गई, ये अपना प्लेन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो 2D, क्योंकि हमने 2D के बारे में ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था 10th क्लास तक, लेकिन यहाँ पर हम 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तीसरी एक्सिस और आ जाती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक और एक्सिस लेते हैं हम जेड एक्सिस, मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरी जो बॉडी है 3D शेप में, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आपको डिटेल से, 3D इसका इंट्रोडक्शन ऑफ
3D ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास में आधा मैथ का मतलब लगभग 6 चैप्टर आपके इसी से रिलेटेड होने वाले हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव से। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, लिमिट्स अलग टॉपिक आपको और डेरिवेटिव अलग है, दोनों को पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये दोनों 12th क्लास में यूज होने वाले दोनों के दोनों टॉपिक। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे 13th चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या रहने वाले, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ ऑपरेशन, स्टेटमेंट पर कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल इजी और छोटा सा टॉपिक है, ये भी क्लियर करेंगे हम। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये आपका 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड है। तो 11th क्लास में आपने मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ा था, तो वही इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स में भी मीन मोड मीडियन के बारे में, लेकिन यहाँ पर और आगे अगर हम एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के बारे में वो डिस्कस करेंगे, वो आप हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब आपको डिटेल से बताने वाले। मैं तो केवल अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसमें कि आप कुछ पढ़ने वाले हैं, कितने क्या टॉपिक है 11th क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी आपका 10th क्लास में पढ़ा था, वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था आपका प्रोबेबिलिटी, एक या दो एक्सरसाइज थी आपकी प्रोबेबिलिटी में, बिल्कुल छोटा एक ऑप्शन थी और एक एक्सरसाइज थी आपकी, लेकिन यहाँ पर काफी एक्सपेंड वे में काफी बड़ा चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि 12th क्लास में भी ये चैप्टर बिल्कुल सेम एज इट इज आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 11th क्लास के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में आपका सिलेबस बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में था और यहाँ पर 10th क्लास बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में था, और 11th क्लास में आकर के आपका काफी कुछ एक्सपेंड रहने वाला है, ये सारे टॉपिक आपके लगभग आधे से ज्यादा टॉपिक बिल्कुल न्यू है और 12th क्लास में सभी का यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे और हर वीडियो को अच्छे से समझ करके अपने नोट्स वगैरह रेडी करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, चैप्टर हम स्टार्ट करवाने वाले नेक्स्ट के लिए।